हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मा। मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की खिचड़ी। एकदम खिला खिला चटपटा सा बनाएंगे। आप ज़रूर घर पे बनाना ऐसे मेरे वीडियो को देख के। आइए शुरू करते बनाना। आइए स्टार्ट करते चने दाल की खिचड़ी बनाना। चने दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगा कर रखा था। चावल भी उसके लिए लिया मैंने। चावल 1 कटोरी, 1 कटोरी दाल, और लिया मैंने हरा धनिया, 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, हरी मिर्ची और कस्तूरी मेथी, अदरक कद्दूकस कर लिया मैंने। ये देखिए सारे खड़े मसाला ले लिया मैंने। कुकर में मैं घी डाल दूंगी। घी से अच्छा बनता है चने दाल की खिचड़ी। घी गर्म हो गए, डाल देंगे सारा खड़े मसाला। हरी मसाला थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज भून गया, इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, अदरक, और टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। टमाटर गलने के लिए नमक डाल देंगे और गरम मसाला। हरी मिर्ची डाला इसलिए मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। टमाटर जब तक ना गले तब तक इसे भूनना है। टमाटर गल गई, दाल डाल देंगे इसमें। दाल डाल के थोड़ा मसाला के साथ भूनना है। इसमें थोड़ा पानी है दाल डालने के बाद। जब तक ये पानी ना सूखे तब तक इसे मसाले के साथ पकाना है। तो देखिए मैंने दाल को भून लिया मसाला के साथ। चावल डाल देंगे। इसमें हरा धनिया डाल देंगे, कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच घी। इसे मिला लेंगे। पानी डाल देंगे। सबसे मैं नमक डालूंगी। मैंने मसाला में नमक डाला था इसलिए चावल के लिए मैंने नमक डाला।
ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। मैंने एक कटोरी दाल एक कटोरी चावल लिया था, इसलिए देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी है इसका, ढक्कन लगा के सीटी लगा लेंगे। तेज आंच पे दो सीटी लगाएंगे, धीमी आंच पे एक सीटी लगाएंगे। दो सीटी आ गए, गैस को धीमी में एक सीटी लाना है। देखिए कुकर ठंडा हो गया, अब इसको खोल के देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए कितना खिला खिला बना है। ये देखिए तो कैसी लगी मेरी वीडियो। तो आप भी ऐसे घर पे बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनता है, ऐसे बना के खाइए। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।